लोकसभा के चुनाव में अब चंद महीने ही शेष हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहे कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर नीतीश सरकार को कई मुद्दों पर निशाने पर लिया। चिराग पासवान ने कहा कि 15 साल पुराने पलायन रोकने के सपने को पूरा करने की जरूरत है। चिराग पासवान ने कहा कि 15 साल पुराने पलायन रोकने के सपने को पूरा करने की जरूरत है। बिहार में मेरे पास बिहार को लेकर कई प्लान है और मेरा मानना है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार में लोजपा सरकार का हिस्सा नहीं, हम समर्थन कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार से बातचीत करता रहा हूं, लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे सवाल उठाना लाजमी होता है, क्योंकि जनता मुझसे सवाल पूछती है। मैं भी जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या योजनाएं हैं। लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में कई काम होने बाकी हैं। मैंने लोगों के बीच आकर ही ये सवाल पूछा है और लोगों से बात की है। बिहार में चीजें और बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैंने एक साल पहले ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट यात्रा की थी। मेरे पास विजन भी है, ना कि केवल समस्याएं ही नहीं है। मेरे सवालों को चुनाव से जोड़कर उठाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग और लोजपा प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करती। सीएम के चेहरे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लोजपा भाजपा का गठबंधन पुराना है। मैं अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो पर काम कर रहा हूं। सीएम के फेस पर बीजेपी ने निर्णय लिया और हमने इस फैसले का स्वागत किया है। बिहार के विकास के बारे में सोचता हूँ, इसलिए सीएम का सपना देखना बुरा नहीं। चिराग ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर दबाव नहीं करती है। लोजपा मेरे लिए संख्या मायने नहीं रहा है, लेकिन लोगों के सवाल मायने रखे हैं। 243 सीटों पर मेरी तैयारी नहीं होगी तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जीतना और जीत दिलाना दोनों मेरी पार्टी का फर्ज है। अगर सभी जिलों में मेरे समर्थक नहीं होंगे तो NDA के सहयोगियों को लाभ कैसे मिलेगा। हालांकि सीट शेयरिंग के सवाल उन्होंने टालते हुए कहा कि इसका निर्णय गठबंधन के लोग लेंगे और सही समय पर इसकी जानकारी दी जाएगी। लोजपा हर तरीके से बीजेपी के साथ है और गठबंधन अटूट है। JDU के नेता अगर मेरी चिंता कर रहे हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मांझी के NDA में वापसी के कयासों पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए मांझी जी परिवार के सदस्य जैसे हैं, उनके आने से मुझे कोई खतरा नहीं। राजनीति की मुख्य धारा में वंचित समाज के जितने लोग आएँ उतना बेहतर है। कांग्रेस से करीबी की खबरों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर से मेरी करीबी नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ के नाते दोस्ती है। चिराग ने कहा कि लोजपा में हर निर्णय संसदीय कमेटी लेती है। पार्टी में मेरी कोई मनमानी नहीं है। मैं युवा हूं, लेकिन मेरी पार्टी के नेता काफ़ी अनुभवी हैं। तेजस्वी के जवानी के अड़वाली वाले बयान पर प्रतिक्रिया देने से बचे। राजद में मची टूट संवैधानिक तरीके से हुई है। आज के दौर में सबको साथ बांध कर रखना मुश्किल है। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।